मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज की एक परेशान करने वाली खबर है कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमिक हैं, उनको निकालने का जो मिशन है उसमें विलंब हो रहा है और उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। तो उससे ये बात तो स्पष्ट है कि मजदूरों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो स्वस्थ है और उनकी जान को भी खतरा नहीं, क्योंकि जिस सुरंग में हम वो 2 किलोमीटर लंबी है और वहाँ खाना पानी सब कुछ उनका इंतज़ाम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कितनी जल्दी वो बाहर आएंगे। 14 दिन आज पूरे हो गए और आज जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके जो मेंबर हैं उन्होंने कहा कि अभी जो रफ्तार से हम ऑगर मशीन से 4-5 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम खुदाई कर रहे थे और सुरंग बना रहे थे, वो अब संभव नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हैदराबाद से एक प्लाज्मा मशीन को लाया गया है और आर्मी की जो हमारी भारतीय सेना है उसकी भी एक टीम को यहाँ लगा दिया गया है, और लेकिन जो ऑगर मशीन के ब्लेड्स टूटे हैं वो 47 मीटर अंदर टूटे थे। तो उनको 47 मीटर से बाहर निकालने पहले उनको काटना, वेल्डिंग गैस वेल्डिंग से उनको काटा और अब उनको बाहर लाया गया है, ला रहे हैं। तो उनको करीबन 35 मीटर तक उनको बाहर लाया गया है और अब उनको 15 मीटर और बाहर लाना है, यानी सुरंग से पहले उनको एक तरफ बाहर निकालना है और फिर जो प्लाज्मा मशीन आई हुई है जिससे वो ब्लेड जो वहाँ और उसके टुकड़े छूटे हैं या जो अटकी है उसको काटने के लिए, तो वो काटी जाएगी। और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि अब वो मैनुअल खुदाई करेंगे, लेकिन मैनुअल खुदाई 47 मीटर अंदर जाके, क्योंकि 60 मीटर खुदाई होनी है। तो अब सोचे कि 47 मीटर अंदर जाके कौन इंसान खुदाई करेगा, क्योंकि उसमें जो वहाँ ऑक्सीजन की कमी है और उसके बाद वो 60 मीटर तक अंदर खोदना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो हमारे श्रमिक भाई जो 41 वहाँ फंसे हुए हैं, अब उनके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि उनका आत्मबल बढ़ाया जाए। और जो वर्टिकल ड्रिलिंग आज शुरू हुई है और 15 मीटर तक आज उसकी खुदाई हो चुकी है, वो 86 मीटर खोदी है, तो 15 मीटर आज एक दिन में खोदी है। तो आप सोचिए कि 15 मीटर हम खोदेंगे तो लगभग 5 से 6 दिन लगेंगे, यानी जो इंतज़ार है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा एक थोड़ी सी परेशानी हो रही है, एक चिंता की भी हो रही थी, क्योंकि उनको थोड़ा सा डिले हो रहा है और उसी डिले में ही आज एक जो मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं उनके पिताजी जो उत्तरकाशी में आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि एक बार मेरा बेटा बाहर आ जाए तो हम उसको दोबारा नहीं भेजेंगे। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ एक पुष्कर सिंह ऐरी एक मजदूर फंसा हुआ है उत्तराखंड में, तो वो चंपावत का है और वो मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी भी है। तो आज मुख्यमंत्री चंपावत में उनके घर गए और उनके माँ बाप को आश्वासन दिया और कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और सब यहाँ हम उनको निकालेंगे और सब सकुशल बाहर आ जाएंगे। तो मुख्यमंत्री का इस तरह से जिस तरह से वो डेरा डाले हुए हैं उत्तरकाशी में और मजदूरों को निकालने की जितनी बचाव कार्य हैं वो खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं, वाकई उनकी तारीफ करनी होगी। जो मजदूर आए हुए हैं उन जो मजदूरों के माँ बाप और या रिश्तेदार आए हुए उनसे वो लगातार संपर्क में है और उन सबको खाना पीना रहना वो सब सरकारी तरफ से हो रहा है। तो ये भी एक जो कोशिश है सरकार की वो मुझे लगता है कि वाकई इसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो मित्रों आज के और
इसके अलावा मित्रों आज थोड़ा पॉलिटिकल बात भी करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि वहाँ बीजेपी की सरकार आ रही है, उसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई और लोगों ने मुझसे अलग अलग बात की। कोई गोदी मीडिया कह रहा है, कोई मोदी भक्त कह रहा है, लेकिन मित्रों आज आप नोट कर लीजिए, बीजेपी की 115 से 130 के बीच सीट आ रही है, 100% बीजेपी की सरकार बन रही है। तो आप कमेंट को, आप जो धरातल पे सच्चाई है उसको लेकर करना चाहिए। सच्चाई आप जान ले रहे हैं और बेवजह कमेंट करें वो मुझे लगता है उचित नहीं है। और अब मैं आपको तेलंगाना के बारे में बताता हूँ। तेलंगाना में आज जो चुनाव प्रचार बहुत जोरों पर था, आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, होम मिनिस्टर जेपी नड्डा, तमाम लीडर वहाँ थे और आज प्रधानमंत्री भी तेलंगाना में ही थे। एक और सरकारी प्रोग्राम भी था कि वहाँ थे। तो आज जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जो शो किया, जबरदस्त भीड़ थी। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वहाँ कांग्रेस और बीआरएस के बीच में टक्कर है सीधे सीधे, और बीआरएस का संगठन बहुत मजबूत है लेकिन कांग्रेस उसको चुनौती दे रही है। तो इस बार बराबरी का टक्कर है कांग्रेस और जो आपकी बीआरएस है केसीआर वाली। तो उसमें अब इसमें बीजेपी की भूमिका कहाँ है? दरअसल बीजेपी जितना वहाँ चुनाव प्रचार कर रही है वो केसीआर का वोट काट रही है, कांग्रेस का वोट वहाँ इंटैक्ट है। तो केसीआर का वोट कटेगा, कांग्रेस को बेनिफिट होगा। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को लगभग 14 से 15 सीटें मिलने वाली हैं और असदुद्दीन ओवैसी को 5 से 6 सीटें मिल जाए। तो बाकी जो मुकाबला है वो उन दोनों पार्टियों के बीच में, और निश्चित तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस को एज है, यानी कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त है। और हालांकि बीजेपी बड़े बड़े वादे वहाँ कर रहे, जैसे वहाँ गृहमंत्री अमित शाह ने और फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो मुसलमानों का आरक्षण है उसको ख़त्म करके एससी एसटी को दिया जाएगा। पर ये लोग भूल गए कि जो कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने गलती की थी वही यहाँ दोबारा कर रही है। यानी कर्नाटक में सरकार ने कहा था कि मुसलमानों का आरक्षण हम ख़त्म कर देंगे, तो उससे सारा मुसलमान एकजुट हो गया और उसका सीधे सीधे बेनिफिट कांग्रेस को मिला और कांग्रेस सरकार में आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग यही स्थिति तेलंगाना में होने वाली है कि जो मुस्लिम वोट बंटता था वो कांग्रेस की तरफ जाएगा और उसका बेनिफिट चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों बाकी मध्य प्रदेश में मैंने भविष्यवाणी की है कि वहाँ भी बीजेपी की सरकार आएगी। हालांकि लोग उस पर नाराज़ हो रहे हैं कि ऐसा नहीं कांग्रेस आएगी, पर मुझे, मैं आपसे जो मेरा अनुभव है, जो फील्ड रिपोर्टिंग हुई है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ बीजेपी की सरकार आ रही है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।